जेएनयू हल्ल्याच्या निषेधार्थ सुरू असणाऱ्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अभिनेत्री दीपिका पादुकोणनं जेएनयू गाठलं. त्यानंतर तिच्यावरती सोशल मीडियातनं ट्रोलिंग करण्यात येत. त्यावरून भाजपनं आमचा याच्याशी काहीही संबंध नाही असं सांगत सर्व आरोप फेटाळलेत. दीपिकाला कुठेही जाण्याचा अधिकार आहे. आम्ही तिच्या सिनेमाला बॉयकॉट करणार नाही असा खुलासा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केला. उसकी हम भर्त्सना करते हैं. अपने यहाँ परिपक्व लोकतंत्र है, हर एक को अपनी राय रखने का अवसर है और इसलिए हिंसा का इस देश में कोई स्थान नहीं है. और खासकर विश्वविद्यालयों में जहाँ सब लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वो हिंसा का स्थान हो नहीं सकता. और आपको मालूम है जेएनयू में पिछले सप्ताह में वहां सेमिस्टर का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और वो सभी छात्र कर रहे थे, तब कुछ यूनियंस ने तय किया कि ये नहीं होने देना है. और किस तरह से आपने भी दिखाया है, किस तरह से सर्वर को लॉक करके रखा, किसी को उपयोग करने नहीं दिया. तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हमें भूलना नहीं चाहिए. ये शिक्षा का काम नहीं है. ये शिक्षा क्यों